मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे अपराध शाखा यूनिट 5 ने हाथी दांत तस्करी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 4 अप्रैल को पुलिस निरीक्षक जयराज रणवरे को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हाथी की दांत की तस्करी करने के लिए पुराना चेकनाका कासरवाड़ी के पास आने वाले हैं, जिसके बाद यूनिट 5 की टीम ने चेकनाका के पास जाल बिछाकर तस्करी करने आए दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है सचिन रामचंद चौगुले जो वडाला का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा आरोपी प्रवीण रमेश शेरे काजूपाड़ा बोरेवली का रहने वाला है। पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से जो दांत बरामद की गई है वो 6.5 इंच लंबा तथा उसका व्यास 2.1 सेंटीमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस हाथी दांत का उपयोग सौंदर्य वस्तु मूर्ति दवाइयां बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वन जीव संरक्षण के तहत इन पर मामला दर्ज कर इन दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।